काउंटडाउन में हमने 10 से लेकर के 1 तक सिर्फ और सिर्फ प्रदीप नरवाल को देखा। वजह बिल्कुल साफ है, ये मुकाबला प्रदीप नरवाल का मुकाबला होगा। सारे देश की निगाहें अगर किसी एक सितारे पर है तो वो है प्रदीप नरवाल। लेकिन शनिवार वाड़ा के इस शहर में आज पुनेरी पलटन के चाहने वाले भारी मात्रा में पहुंचे हैं। 86 रेट पॉइंट्स पिछले 5 मैचेस में। ओ प्रथम इग्रा से मक्षिका पाते सीधे वेस्ट होल्ड पर गए। 5 का डिफेंस है यहां पर पंकज मोहिते रेड पर। दूसरी रेड है पंकज की आज। ओ थ्री पॉइंट, क्या फुर्ती क्या चुस्ती, पूरा का पूरा स्टेडियम गूंज उठा इस समय। पंकज मोहिते ने लगा दी है सुपर रेड। पिछला मुकाबला उनके लिए अच्छा रहा, आज भी अच्छी शुरुआत की है नितिन ने। सुपर टैकल सिचुएशन में बॉडी फोर्स से निकलने की कोशिश नाकामयाब। सुपर टैकल टू पॉइंट पट्टा पर बल का प्रयोग करने की कोशिश यहां नितिन तोमर द्वारा, लेकिन सुपर टैकल हो गए हैं। पुनेरी पलटन महाराष्ट्र की वो टीम इससे बड़ी उम्मीद और रही यहां पर सेल्फ आउट, और इसी के साथ पुनेरी पलटन ऑल आउट पंजाब की 3 पॉइंट पट्टा पायरेट्स। पुनेरी पलटन ने एक बोनस पॉइंट जरूर कमाया लेकिन ऑल आउट। प्रदीप नरवाल रेड पर भी है, रेफरी से भी बातें कर रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं और डुबकी भी लगा रहे हैं प्रदीप नरवाल। जितनी गहराई है उतने गहरे उतर गए ये खिलाड़ी। पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त। पटना पायरेट्स 10 पॉइंट की लीड पर है। पुनेरी पलटन का डिफेंस पूरी तरह से फेल रहा है। पूरी टीम को चलना होगा। जयदीप आदि ताजिक कुछ भी नहीं कर पाए हैं और हाफ टाइम के पहली ही रेट में प्रदीप कामयाब। पटना पायरेट्स 3 नंबर आउट। मंजीत एक एम्बिशियस खिलाड़ी हैं, प्रदीप को टारगेट कर रहे हैं वो भी अकेले। ये देखिए रडर आउट 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। 10 पॉइंट की लीड पटना पायरेट्स के पास, यानी कि हाफ टाइम के समय जो स्थिति थी तकरीबन वही स्थिति। और इस बार प्रदीप के डबल थाइस पर गए, बढ़िया टैकल। और इस्माइल जो कि ब्रेक के दौरान अपने कोच से रामभेर जी से दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई उन्हें रेड पर भेजें, और रामभेर जी ने कहा था 5 मिनट्स ओनली, लेकिन पहली रेड पर तो कामयाब नहीं हुए। यहां पर डुबकी लगाने की कोशिश लेकिन नीरज के सामने ऑल आउट। फिर हो सकते हैं पुनेरी पलटन लेकिन नहीं, जज्बा बाकी है। सुपर टैकल और मंजीत है ना वहां पर, मंजीत जो कि अपने आप में काफी लीन कदकाठी के खिलाड़ी है। व्हाट अ गेम आज का ये देखने को हमें मिला है। प्रदीप को बुलाया है राम मेहर जी ने, अरे जांग कुंडली वो तो मतलब गले लगा लिया।